जय हिंद दोस्तों वेलकम बैक टू तो टॉक दोस्तों मिर्जापुर का सीजन थ्री फाइनली कल रात 12 बजे से एमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुका है और टोटल दोस्तों इस सीरीज के 10 एपिसोड्स हैं जहां हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट के बीच की है और दोस्तों क्या यहां पर मिर्जापुर थ्री का जितना ज्यादा ऑडियंस को इंतजार था उस हिसाब से उन्हें कंटेंट स्टोरी या एक्शन मिला या नहीं आइए इस वीडियो में जान लेते हैं जहां मैं रिव्यू करने जा रहा हूं मिर्जापुर का सीजन थ्री क्योंकि कल मैंने इसे रात से ही बिंज वॉच कर लिया है टोटल इसके दस एपिसोड देखने में साढ़े आठ घंटे का टाइम गया और भाई पूरी रात नींद खराब हो गई आंखों में दिख रहा होगा कि भाई साहब पूरी रात सोया नहीं हूं मैं और अभी जो मेरा ओटीटी कंटेंट का अपडेट वीडियो है वो थोड़ी देर में आ जाएगा क्योंकि उस पर भी अभी मैं काम कर रहा हूं लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं दोस्तों मिर्जापुर के सीजन थ्री की तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज को लेके अब मेरी काफी ज्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स हैं क्योंकि जो इसकी एंडिंग है अभी भी सीरीज की ओपन रखी गई है यानी कि सीजन फोर इस पर बनाया भी जा सकता है अगर इस तरीके की ओपन एंडिंग आप 10 एपिसोड्स के बात करेंगे सीजन थ्री के तो डेफिनेटली वहां पर आपको मिक्स फीलिंग इस सीरीज को लेकर जरूर आएगी बहरहाल दोस्तों क्या आपको वो कॉन्टेंट देखने को मिलता है जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन रहती है, है मिर्जापुर से तो मेरा जवाब होगा दोस्तों यहां पर थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग ढीली होती नजर आ रही है अब सीजन थ्री में क्योंकि यहां दस एपिसोड तो बना दिए हैं लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स हैं दोस्तों इस सीरीज के मिर्जापुर के सीजन थ्री के उनको स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा कम मिला इस बार जैसे कि हमारे बड़े भाई कालीन भैया कालीन भैया को पूरी दस एपिसोड की सीरीज में बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है ऐसा लग रहा है जैसे इतनी लंबी सीरीज में वो सिर्फ गेस्ट अपेयरेंस के लिए आ रहे हैं और जो उन्हें रोल भी दिया हुआ है वो थोड़ा सा शुरुआत में जो आपने सीजन टू में एंडिंग देखी थी उसके बाद से एक डरा हुआ सा रोल था वो दिया गया है और एंड में जाकर उनका रोल वापस से वो स्ट्रेंथ पकड़ता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं इस वजह से जो लोग तो कालीन भैया की जबरदस्त एक्टिंग और स्ट्रांग यू नो जो वो परफॉर्मेंस देते हैं उसका इंतजार कर रहे थे वो सीजन थ्री में डेफिनेटली मिसिंग है इसके साथ मुन्ना भैया जो है नहीं इस सीरीज में जिसके लिए आपको सबका इंतजार था उनका फ्लैशबैक सा जरूर है लेकिन अब वो स्टोरी में आगे कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं और ये सबसे बड़ा शॉकर है इस सीरीज के लिए क्योंकि यहां पर मुन्ना भैया के फैंस तो इसको देखेंगे ही नहीं अगर इस सीरीज के अंदर मुन्ना भैया नहीं है और ये मैं आपको कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूं या मैं आपको स्पॉयलर नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये चीज ऑलरेडी रिवील पहले भी हो गई थी न्यूज में और अब सारे रिव्यूज चैनल्स और सभी चैनल्स जिन्होंने इसे मीडिया में बता दिया इसके बारे में बता दिया है कि मुन्ना भैया भाई इसमें नहीं है इसके साथ दोस्तों गुड्डू भैया का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग स्टार्टिंग में दिखाया है लेकिन पूरी सीरीज की सेंटर में वो गायब हो जाते हैं और ढेर सारे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पैरेलल स्टोरीज चालू कर दी गई हैं बेसिकली एक खिचड़ी बनानी अब फिर से चालू कर दी गई है जैसे हमने पहले भी काफी सीरीज में देखा है जिनके तो मल्टीपल सीजन एक खिचड़ी सी बन जाती है वैसे नए नए कैरेक्टर्स इसमें ऐड हो गए हैं यहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और माधुरी मैडम के ऊपर टोटल फोकस जा रहा है सीरीज का उस वजह से भी दोस्तों जिन लोगों को स्ट्रांग कंटेंट का इंतजार था जिसके अंदर होता है खूब सारी गालियां और होता है बंदूक और होती हैं गोलियां थोड़ा सा यहां पर एक्शन से ज्यादा चेंज होता जा रहा है पॉलिटिक्स की तरफ तो यानी कि सीरीज का जो मेन कंटेंट था जो ब्रूटल इसके अंदर सीन थे ग्रूसम सीन से ग्रूसम एक्शन था वो भी सीजन थ्री में बहुत लिमिटेड कर दिया गया है मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारा कंटेंट अवेलेबल नहीं है लेकिन उस इंटेंसिटी उस डिलीवरी के साथ ही अवेलेबल नहीं है जैसे आपने पहले दो सीजन में देखा है और इसके साथ अगर मैं बात करूं कि क्या स्टोरी अपनी जगह से आगे बढ़ती है तो इस तरीके से इन्होंने इसे क्रिएट किया है कि लास्ट एपिसोड तक आते आते आप घूमकर वहीं आ जाएंगे जहां से स्टोरी शुरू हुई थी यानी मिर्जापुर की गद्दी पर अभी कौन बैठेगा इसका भी आंसर अभी भी सामने नहीं आया है तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है सीरीज में सीरीज का कॉन्टेंट लिखा अच्छे से गया है डायलॉक्ट डिलीवरी अच्छी है एक्शन एक्टिंग आक, सबकी अच्छी है लेकिन नए कैरेक्टर्स को इसमें ऐड करके एक खिचड़ी बना दी गई है और इसके साथ साथ जिन कैरेक्टर्स को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जो स्ट्रांग कैरेक्टर हैं सीरीज के उनको स्क्रीन टाइम दिया ही नहीं गया है मेरी नजर में दोस्तों इसे देख लीजिए आप क्योंकि आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो आप ये थर्ड सीजन को देख सकते हैं लेकिन आप इससे एक्सपेक्टेशन लो करके इसको देखना क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है और इसका कॉन्टेंट कम है तो दोस्तों ये था मैं क्विक अपडेट एंड टिल गेट बैक टू द नेक्स्ट रिव्यू इट्स गुड बाय फ्रॉम टिपटॉक